ريزه من الكلاس طول دمره صار في السكي جنيه والله الله يبارك لك يا سيدي زي ما قلت لك اسمي جزاك عبد زمان خير من كل دكان سفايف نورس فيش لاين على ايش पिछले क्लास में हमने इधर तक ये सब राइटिंग कर लिखा था. अभी आगे जो है हमारे पास ये डिफिकल्ट की है, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आप इस मैं अली लिख लेता हूँ. अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डब्ल्यू प्रेस करना है, ई प्रेस करना है, लाम और ये रज़ी अल्लाह हो किस तरीके से लिखेंगे इसको. हमने शिप के साथ बी पकड़ना है, शिप के साथ आप बी पकड़ लें या कैप्स को ऑन करें कीबोर्ड में. इसको आप या क्या करेंगे, जे से आता है, शिप जे से आता है, ये सही है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम जो लिखते हैं इसको हमने डब्ल्यू के शिफ्ट के साथ ई पकड़ना है. ये हमारे पास ये आइकन जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और हमारे पास जो नेक्स्ट है इसको सलाम आपने लिख लिया स्वाद इसके सलाम जी जो सर स्वाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही है ना. ये और ये है ना सर. नेक्स्ट हमारे जो देखे भी हमारे पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आगे जो है हमारे पास जो शिफ्ट. अब इसको क्या करना है, डब्ल्यू इसके साथ प्रेस करना है, डब्ल्यू शिफ्ट के साथ पकड़ना है. तो हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसको क्या करना है, सिन वो डब्ल्यू में है आर, और इसको क्या करना है शिफ्ट टी करना है, और इसको पेयर क्या करना है. ये तो हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम. हाँ ये सही है, गलत है. बस मिटा दिया. अभी इसको किस तरीके से लिखना है, सूरत किस तरीके से लिखना है. अभी सिनमोरी टी सॉरी नहीं आया, अभी क्या हो गया. मुझसे भी बोल गया, देखते हैं. नहीं सर, इधर से देखते हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए. इसमें आपको कोई भी की अगर मसला आ जाए तो आप इसमें देख सकते हैं. एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके, और इसमें जाके हमारे पास कीबोर्ड प्रेफरेंसेस लिखा. ये हमारे पास कीबोर्ड की जो इधर हमारे पास पोनेटिक कीबोर्ड है, और भी कीबोर्ड है. मैंने इन लोगों को बताया था कि एक कहाँ यूज़ करना है, लेकिन पोनेटिक आप यूज़ कर लेंगे. इसको आपने ओके करना है. ये हमारे पास किधर लगा हुआ है, ये ओ पे लगा हुआ है, सही है. शिप के साथ ओ पकड़ लें, सही है. शिप के साथ ओ पकड़ना है तो ये हमारे पास हो गया. अरबी कैसे लिखेंगे इधर भी, नीचे मैंने कोई चेन लिखा हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस. सही है, अलिफ के तो पास अलिफ के ऊपर जो आपने जोर जीर पेश इसको जब हम अरबी कैसे लिखेंगे, तो आप पहले अलिफ लिखो, इसके बाद आप शिप कर, और हमारे पास जो ये डैश एम के साथ जो दो ऑप्शन है हमारे पास, इनको क्या नाम कहता है इसको, इनको ग्रेटर देन और लेस देन, इसको जो हम कहते हैं. तो इसके ऊपर जब आप
क्लिक करें तो आप हमारे पास आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये जो अल्लाह का नाम है ये तो उससे जगह देना, किस चीज का उधर, तो उधर डायरेक्ट लिख जाता है, डायरेक्ट आप लिखो ये भी खुद आ जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं ज़ोर ज़ेर पेश वगैरह अरबी लिखूंगा तो आप ये भी लिख सकते हैं। कीबोर्ड में हमारे पास इधर जी इसकी इस पे ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप पहले पीए के कोड लिखना है, अगर आप इसको पहला जब लिखो तो ये खुद बखुद आ जाता है। लेकिन जी अभी इसमें देखो अलिफ लाम ये पेश और अलिफ ये हमारे पास लिखा हुआ है अरबी में, तो आपको ये ऐसे तो नहीं लिख सकते कि अल्लाह इसको लिखे, फिर इसको आपने जोर भी देना है, जेर भी देना है, पेश भी देना है, सब कुछ आप देंगे जब अरबी का राइटिंग कर देंगे। सही है, एक और तरीका है इसका आसान और भी, अगर आपको ये तरीका मुश्किल है तो आप जस्ट उर्दू लिखो और इसको फिर कलोड्रा में बहुत आसान तरीका मैं बता दूंगा आगे कि इसको फिर बहुत आसानी से एक दफ़ा अपनी चीज़ जोर जीर पेश अपने साथ रखो, बस इसको फिर एडजस्ट कर लो इधर, बहुत असीन आसान तरीका है मैं बता दूंगा वो भी आपको। लेकिन क्या करना है अभी अलिफ काफ ये क्यों किया जाए, क्यों हमारे पास जो है क्यों आप इसको वर्ड लिखे फिर शिफ्ट के साथ क्यों दबाएं तो ये हमारे पास आ जाता है। तो फिर बी और बी के ऊपर आपने लेसन और इसको आपने इस तरह लिखना है, ये आप शिफ्ट क्यों दबाकर अभी देख ले इधर रा लिखो और शिप के साथ आप क्यों दबाओ तो ये खुद ब खुद आ गया। ये आप इसको फंड चेंज करना है, फिर इसको आलिया को फंड की इंस्टॉलेशन करना है। अगर आप इसको जोर जोर देख ले ये भी मैंने लिखा हुआ है ना, ये इस तरह जो हम मैंने इस तरह किस तरीके से लाएंगे, इसके लिए आप फंड अलहदा से फंड डाउनलोड करोगे और इसे इंस्टॉल कर लोगे, फिर ये सब खुद ब खुद अरबी का अपना स्टाइल है एडिटिंग का जो फंड होता है तो आप इसे इंस्टॉल कर ले और फिर आपको जो भी लिखना है लेकिन अरबी वाला फंड आप इंस्टॉल कर ले। जी ये अलग अलग कीबोर्ड होते हैं जिस तरह बिल्कुल होते हैं मिसवर्ड में, जैसे कि आपको फंड मिल जाते हैं ऐसे फंड भी ऐसे आ सकता है कि आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये गूगल में आपको मिल जाते हैं बहुत आसानी से। इसको जब मैंने आला लिखा था हमारे पास शिफ्ट के साथ मैंने क्या करना है आई प्रेस करना है, तो ये हमारे पास ये कड़ा इसको क्या कहते हैं कड़ा जबर इसको कहते हैं या इसको हम ये हो गया। फिर कई लिखना है ये किस तरीके से लिखें, काफ लिखो और यू प्रेस करो, ये हमजा जो है आप इसको क्या करना है आप इसको यू प्रेस करें और फिर आई प्रेस करें तो ये हमारे पास खुद ब खुद नहीं विदाउट शिफ्ट। सी प्रेस करना है चा के लिए विदाउट शिफ्ट अलिफ और ही इसको फिर क्या करना है फिर हमने यू और फिर वाई प्रेस किधर किया जा देख ले भी हाँ मैंने हमारे पास है ओ पर और फिर हमने क्या करना है यू प्रेस करना है, यू प्रेस किया और फिर जब मैं शिफ्ट के साथ वाई को प्रेस विदाउट शिफ्ट के पास वाई प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास खुद बखुद आ जाएगा। इसमें मैंने दो हाँ डाली है देखिए हो गया, आप इस पर खुद प्रैक्टिस कर लें इसलिए कि ये आपका अपना काम है कीबोर्ड नहीं है, ये अपने जहन में रखना है इधर से तो काफी में कल अगर मुझे याद आ गया तो मैं ले आऊंगा इसकी ये सिर्फ ये वाला आप इसे जहन में रखें, दो तीन दफा आप इसको देख ले एक एक चीज अपने साथ इधर किताब से लिख लो, कोई चीज मसला आ जाए तो आप इसे देखे जाके देख ले तो फिर आपको दो तीन दिन में आप जल्दी अंदर अंदर आप इसे सीख लेंगे। किससे ये नीचे वाला ये अगर आप कहे कि मैं खुद अपना कीबोर्ड बना लूं कि जिस वर्ड को मैंने जिस ए पे लिखना है बी पे लिखना है, मैंने पिछले इनको बताया था कि अगर आप इसको कस्टम कीबोर्ड
लिहाज से हमारे पास पुनेट के इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। कस्टम की बोर्ड पे अगर आप क्लिक करें तो आप इसको, अगर ये काफ लिखा हुआ है, मैं इसको उठा के माउस को क्लिक करूंगा जहां पर भी रखूंगा तो ये सिर्फ इसकी पर आ जाएगा आपके पास। यूजर डिफाइंड की बोर्ड, ये पुनेटिक की बोर्ड नहीं है, ये पुनेटिक की बोर्ड में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इधर से आप देखें, इधर हमारे पास और भी की बोर्ड देख ले, ये यूजर डिफाइंड की बोर्ड, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये पुनेटिक वाले की बोर्ड में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। हो गया, अभी हमारे पास फाइल में जो कमांड पड़े हुए वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ा, न्यू के लिए न्यू फाइल, ओपन जो आपका ओल्ड फाइल है जहाँ पर आपने सेव किया हुआ है, इसका आपने ओपन किया है, क्लोज करंट फाइल, अब आपका ये क्लोज हो जाएगा। सेव और सेव एज का मतलब तो ऑलरेडी सेव है, ये तीनों सेव के कमांड है, कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये भी सेव के लिए यूज। ये प्लेस, ये मैं कर लेता हूँ, प्लेस का मतलब क्या है, अभी पिक्चर को आप क्या करेंगे, इसको इसमें आप पिक्चर इंसर्ट करोगे, पिक्चर तो आप कोई भी इधर इंसर्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप इस पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये तीन कमांड है, ये हमारे पास एक दो तीन, ये पिक्चर की के लिए यूज करेंगे हम। आप इसे ड्रा करें और इस पर आप जो भी पिक्चर इसे अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं। देख लें आप इसको कहां पर भी रख सकते हैं। हो गया, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट पेज। जी ऑलरेडी मैंने पढ़ा था आप लोगों को कि अगर आप कहें कि मैं विदाउट एम पेज को इसको खोलूं, चाहे मोबाइल में भी खोल सकते हैं, और अगर आप चाहे कि मैं इसको, अगर मेरे पास एम पेज मौजूद है या नहीं तो ये एम पेज पे ओपन नहीं होगा, ये आम फोटो एम पेज जो हमारे पास फोटो का आम जेपीजी पिक्चर है, इसमें आप क्या करेंगे, इधर नाम दे दो, कोई भी नाम दे दे आप इधर, सही है, और ब्राउज पे क्लिक करें। ब्राउज क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछा कि नाम फिर देना है, फिर मैंने दे दिया, और इसको मैंने कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे मैं से इस डेस्कटॉप जगह दे देता हूँ, और इसको मैंने पिटमेट से इसे ओके, और फिर इसको आप इसे देख लें, ये हमारे पास फोटोशॉप का फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा, और जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास अभी शो नहीं होगा, इसलिए कि आप इसको क्लोज करें। बिल्कुल पहले वाले ले लेते हैं, उसको नाम दे दें, डेस्कटॉप पे सेव करें, उसे ओके करें, अभी देख ले, ये हमारे पास होगा, लेकिन ये पता नहीं ऑन नहीं होगा, पता नहीं इसमें कोई मसला है इसलिए, लेकिन ये आपका ये पिक्चर इसी तरह ओपन हो जाएगा विदाउट सीव, आप देख ले अपने वाले तो ये मसला आपको नहीं देगा, इसलिए मैंने दो तीन दफ़ा ये पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पहली बार दफ़ा ये मसला दे रहा है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास प्रिंट है, प्रिंट कमांड तो ऑलरेडी सेम है, ये नेम जो प्रिंटर आपके पास मौजूद होता है, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में, ये इस प्रिंटर का नाम आ जाएगा, और फिर आप इसको क्या करेंगे, इसकी अगर आप ये देख ले, हमारे पास ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये किस जगह, अगर मेरे पास 10 पेज है तो मैं 10 की चार कॉपियां चाहूँ, उस 10 पेज हमारे पास है ना, अगर मैं कहूँ कि इस 10 पेजों की मुझे चार कापियाँ चाहिए तो ये आप इसको चार दे दे, पाँच दे दे, और आप ओके करें, खुद ब खुद उतना प्रिंटिंग, पहले एक से 10 कापी निकालेगा, फिर दो पेज से 10 कापी निकालेगा, फिर तीन पेज से 10 कापी निकालेगा, जितना भी आपके पेज है, तो इसी तरह सीरियल में ही चला जाएगा अगर प्रिंटर मौजूद आपके पास है। इंडेक्स हमारे पास एक्स है, और नीचे वाले हमारे पास जो रिसेंट फाइल है, जो हमने ओपन किए हुए, पहले ओपन किया हुआ या भी ओपन किए हुए, इसकी मैक्सिमम साइज तकरीबन 20 फाइल होगी कि वो आप रिसेंट में आप इसे ओपन कर सकते हैं। मिसवर्ड में भी आपने ये पढ़ा होगा। एडिट में हमारे पास अंडू कमांड है, ये कंट्रोल जेड से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कंट्रोल एक्स ये भी पढ़ा हुआ है, सिंपल है। कॉपी और कट का मतलब क्या है, कॉपी का मतलब ये कट का, कि अगर आप कहें कि मैं इसको कट कर लूँ कोई और जगह, मैंने इसको, मेरे पास कोई और जगह मैंने इसको रखना है या मूव करना है, तो आप इसके इसको इधर से कट कर लें,
तो आप कट कर ले, अगर आप कहें कि मैं किसी और जगह इसको पेस्ट करना चाहूँ तो इसको आप क्या करें, कंट्रोल भी कर, तो आप खुद ब खुद आ जाएगा जहाँ पर भी। और कॉपी का क्या मतलब है, कॉपी का मतलब है कभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं मास्टर पेस्ट हो हमने सिंपल वर्ड लिखते हैं इधर, इससे अब आपको पता चल जाएगा। मैंने ये लिखा हुआ है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी कॉपी करो, तो क्या करेंगे आप इसको सेलेक्ट कर ले और कंट्रोल सी करे, अभी इधर करे और कंट्रोल वी करे, तो हमारे पास इधर कॉपी हो जाएगा, सही हो गया। और अगर आप कहें कि मैं इसे दूसरे सॉफ्टवेयर पे लेना चाहूँगा तो फिर इसी तरीके से नहीं होता, फिर क्या करेंगे उस फाइल को, फिर इस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करना है, जो भी आप ओपन कर लें, ओपन किया और मैंने क्या करना है, फिर दो तरीके मैंने आप लोगों को बताया था, एक हमारे पास ये कि हम पिक टूल लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी, इधर हम डायरेक्ट कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, सही है। नीचे आ गया लेकिन ये बहुत बड़ा आ जाएगा, क्या करेंगे इसको आप साइज कम कर, इधर से आपको तकरीबन 5 दे दो, इधर से 3 दे दो, तो ये हमारे पास अभी देख ले आ गया, आ जाएगा, हो गया। और अगर आप कहें कि नहीं मुझे सिर्फ लिमिट की टेक्स्ट चाहिए, अपनी मर्जी से मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इधर मैं एंटर दबाऊंगा, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन पड़ा हुआ है, इनमें से कोई भी आप उठा ले और इधर राइटिंग कर ले, या इसी को मैंने इसको कंट्रोल सी किया और इसके अंदर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, सही है। अब क्या कर रहे हैं, मैंने पिक टूल लेना है, बस डायरेक्ट इसको मैं कॉपी इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना है, फिर इसको कॉपी कर लेता हूं और इधर इसको डिलीट कर ले, कंट्रोल वी करे, ये हमारे पास बहुत बड़ा आ जाएगा, इसकी साइज आप कम करें, 5 दे दूंगा मैं, 5 दिया और फिर इसको 2 या 3 इधर दे दो, तो हमारे पास हो जाएगा। अब इसको इधर से आप कलर भी दे सकते हैं, मैंने आप लोगों को कोलोरा में पढ़ाया था, अगर आप कहें कि मैं एक एक वर्ड को एक एक कलर दूंगा तो फिर भी हो सकता है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके आल अनग्रुप आल लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करें, बाहर क्लिक करें और एक वर्ड के ऊपर आप क्लिक करें और कलर दे दें आप, हो गया। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके अनग्रुप करें पहले, ये हो सकता है इस तरीके से, इधर आप क्या करेंगे, इधर से आप पाकिस्तान दे दे, बाकी हटा दें इनको, फिर इधर से कॉपी करो उधर पेस्ट करो। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्पेशल पेस्ट हो, स्पेशल पेस्ट ऑलरेडी हम इस वर्ड में यूज करते हैं, जैसा कि हमने ये वर्ड ये पेज मैंने इस मिसवर्ड के ऊपर क्या करना है, कॉपी करना है, इधर ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं मिसवर्ड में आपको बता दूंगा कि स्पेशल पेज का मतलब क्या है। हमारे पास ये मैंने पेज ओपन किया हुआ है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये राइटिंग जो हमने की थी ये वाला, ये सारे पेज में जो है, मैं इसको मिसवर्ड में कैसे कॉपी करूंगा, तो आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें और मिसवर्ड में जाके हमारे पास इधर ये ऑप्शन पड़ा हुआ है, पेस्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे पेस्ट स्पेशल लिखा हुआ है, तो आप इसको क्लिक करें और इसको पिक्चर वाला कमांड इस पर ओपन करें, तो ये हमारे पास पाकिस्तान आ गया। लेकिन इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, और अगर आप कलर चेंज कर लेंगे हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो सकता, चेंज कहाँ से हो सकता है, ये हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा, ये हमारे पास इधर कलर आ जाएगा, इसकी देख ले भी कोई भी कलर देना है आप इधर से कलर दे दें, स्पेशल पेज का मतलब हो गया। अगर सिंपल कॉपी आप इधर से कर लेंगे तो इधर आप क्या मैंने कॉपी किया और मैं इसको क्या करूंगा, डायरेक्ट कंट्रोल भी करूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया देख ले भी, ये सही नहीं आ गया देख ले। मिसवर्ड में स्पेशल पेज सिर्फ हम उर्दू पेज से अगर कोई चीज कॉपी कर लेते और मिसवर्ड में कॉपी इसको पेस्ट करें तो
स्पेशल पेस के जरिए आप करेंगे, विदाउट स्पेशल पेस अगर आप करेंगे तो इसी तरह डॉट डॉट नजर आ जाएगी, सवाल निशान कम होगी, लेकिन ये शो नहीं हो जाएगा। और अगर आपने ये भी हो सकता है, अगर आपने ये राइटिंग इधर भेज दिया, अभी ये आ गया, अभी मैं इसको क्लोज कर लूँगा, आप देख लें, आपने देख लिया। और अगर आप इसको सेव करें, दोबारा ओपन करें, तो ये भी नहीं है, ये भी इसी तरह आ जाएगा, ये भी खाने खाने आ जाएगा। पहले क्या करें, ये देख ले भी हो गया। इसको क्या करना है, इसके लिए तरीका ये कि आप इसको जब आप इसे इधर कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आप इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लो, फिर ये ख़राब नहीं हो सकता। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि उर्दू की राइटिंग कर लेते हैं और मैं शॉर्ट में कह रहे कि मैं इसमें कोई सेटिंग कर लूँगा और इस इधर पेस्ट करके इधर सेव कर ले, जब वो आप वापस इसको ओपन कर ले तो ये ख़राब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी इसको फाइल में जाके इसमें पीडीएफ फाइल इधर हमारे पास पड़ा हुआ है, आप इसको पीडीएफ पे कन्वर्ट करें तो फिर खुद कुछ नहीं होता, पीडीएफ हमारे पास है। सेव में जाके हमारे पास सेव सेवेज लिखा हुआ, इधर से आप सेव में जाके या सेवेज में जाके हमारे पास इधर लोकेशन पूछना चाहता है जहाँ आपने लोकेशन दिया और फिर इसको पीडीएफ पे कन्वर्ट करें हमारे पास, इसको फिर सेव करें, फिर सही ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट हमारे पास आल सिलेक्शन है। आल सिलेक्शन का क्या मतलब है, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई चीज़ ड्रा किया हुआ है या कोई राइटिंग किया हुआ है, बहुत राइटिंग किया हुआ है मैंने और टेक्स्ट भी है और रेक्टेंगल सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे सारा जब आप करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, आल कंट्रोल आल से कंट्रोल ए से भी होता है शॉर्टकट की, और इधर से हमारे पास ही ऑलरेडी हमने और सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है। क्लियर का क्या मतलब है, अभी ये में हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अभी जब मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, देख ले भी। इसको मैं क्लियर करूंगा तो आप क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करना है इसको, कंट्रोल आल कर और आप क्लियर पे जाके ये डिलीट हो जाएगा, शॉर्टकट की इसकी कीबोर्ड में डिलीट बटन है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइंड एंड रिप्लेस लिखा हुआ है, ये हर एमपेज सॉफ्टवेयर में होता है लेकिन ये काम नहीं करेगा। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या मतलब है, मिस वर्ल्ड में आप लोगों को आपने पढ़ा होगा कि आप कोई चीज़ को फाइंड कर ले और वो चीज़ वर्ड आप लिख ले और एंटर दबा के या इसको जब आप सर्च दबा के ये खुद ब खुद आपको वो सर्च कर लेगा। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बस शो होगा लेकिन फिर चला जाएगा, ये इस एमपेज जो ओल्ड एमपेज है उस पर काम करेगा, बाकी कुछ भी जो 2003 हमारे पास पड़ा हुआ है इसमें काम करेगा, बाकी जितने भी एम पेज है इसमें एक में भी वो काम नहीं करेगा, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड काम नहीं करेगा। हमारे पास ये और कमांड जो है, इसको मैंने ड्रैग किया, मैंने इसको कोई कलर दिया, अब कलर हमारे पास इधर तक इधर हमारे पास कोई लिमिट की कलर है, इसको ज़्यादा किस तरीके से करना है ये भी बता देता हूँ आपको। और मैंने क्या करना है, इसको बाहर की तरफ करो और इसको भी कलर दे। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके नीचे इसको रखूँ, किस तरीके से रखूँगा, इसमें आप जाके हमारे पास एडिट है, ये फ्रंट बैक एंड सेंटर लिखा हुआ है, अभी बैक पे क्लिक करें तो ये हमारा ये वाला सेंटर पे आ गया और ये गोल बैक पे चला गया। और कोई इसमें जो एक कमांड सिर्फ होता है लॉग गॉड लाइन, ये मैं कल कर दूंगा अभी। डुप्लीकेट तो ऑलरेडी हमारे पास, इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो हमें भी डुप्लीकेट, ये हमसे भूल, इसमें क्या फर्क है सर जी, कॉपी और डुप्लीकेट में? डुप्लीकेट इसमें फर्क है लेकिन ये मुझसे भूल गया, लेकिन ये तो जरूरी कमांड है, ये कल कर दूंगा। डुप्लीकेट अगर आप कहें तो आप हमारे पास क्या गया, डुप्लीकेट हमारे पास है, एक टेबल खुल गया हमारे। अब मुझसे पूछ रहा है कि इसको आपने जो चीज़ सेलेक्ट किया हुआ है, चाहे आपने जो भी सेलेक्ट किया हो, राइटिंग सेलेक्ट किया हो या कोई, ये कल मैं कर दूंगा, प्रोडक्ट अभी बिजली चले गए, इसको सिर्फ समझा। अभी क्या करना है, मैंने रो कितना है, अभी मैं जब तीन दबाऊंगा तो ओके करूंगा तो हमारे पास तीन रो आ गया, अभी F5 क्लिक करके देख ले, तीन कापियाँ इसकी हमारे पास आ गई। अगर कल मैं दे दूँ तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा,
ये कल मैं समझा हो गई मुझसे भूल गया इधर ये डुप्लीकेट मैंने तक सर जी सही साफ कर कॉपी कॉपी तो फिर एक ही निकाल देना तो इससे इसका मतलब